देखिए जो भी कोई हैप्पी इंसान है इसका मतलब ये नहीं कि उसके उसकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा है कोई मुस्कुरा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में सब सही चल रहा है एक बार मैं लंदन में कहीं चल रहा था और एक व्यक्ति ने एक शख्स ने एक टी शर्ट पहन रखा था उस पर लिखा था डो नॉट डिस्टर्ब और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था ऑलरेडी डिस्टर्ब अब और क्या डिस्टर्ब करिएगा अब हमको तो हर रोज कोई एक ट्रिगर होगा कोई एक स्टिमुलस होगा कोई एक कारण होगा जिससे हम डिस्टर्ब रहेंगे तो खुश इंसान वो नहीं है जिसके जीवन में, जिसके में जिंदगी तकलीफ नहीं है। वो है जो नेविगेट करना सीख गया है नेविगेट करना सीख गया है वो जो हैप्पीनेस को चूज कर रहा है देखिए प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होती हैप्पीनेस को चूज करना पड़ता है एंगर गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है शांत रहना चूज करना पड़ता है नफरत ऑटोमेटिकली होती है प्यार चूज करना पड़ता है नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली होती है पॉजिटिविटी चूज करनी पड़ती है और ये चूज करने के लिए तो इंसान बना है इंसान में जो हमारी आत्मा में जो हमको पोटेंशियल दिया गया है वो चूज़ करने के लिए तो दिया गया है आई लव योर क्लैरिटी क्या क्लैरिटी से आपने आंसर दिया मैं सोच रहा था कि आपने प्रॉब्लम को और बड़ा करके दिखाया सोल्यूशन कहाँ पहुँचेगा

पर वो नेविगेट करना जानता है आप लोगों के जीवन में क्या परेशानी है साधु संतों को भी कोविड तो होता ही है <laughs> कोई ध्यान लगाने से जाप करने से पूजा करने से शास्त्र पढ़ने से कोविड तो किसी को नहीं है <laughs> साधु संत जब संस्थाएं चलाते उनको भी तो फाइनेंशियल इश्यूज तो होती है <laughs> जहां इंसान रहते हैं वहां पॉलिटिक्स तो होती है राइट <laughs> right. जहां भी इंसान रहते हैं वहां ईगोस तो आती है जहां भी इंसान हो रिश्तों की इश्यूज आएगी इमोशनल इशूज आएगी पॉलिटिक्स uh, होगा हेल्थ का इशू होगा आएगी, आएगी, तो लोगों को लगता है कि साधु होना मतलब समस्याओं के पूरे परे होना साधु होने का मतलब ये नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी और साधु सबसे अच्छा नेविगेट कर करने की शक्ति नेविगेट करने की ट्रेनिंग है उनके पास और जितना वो उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना वो माहिर